दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि स्टॉक ने फिर से 400 के स्तर को छू लिया है। अब यानी ऊपर के जाने की इसकी संभावना बन चुकी है और स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि जब तक स्टॉक 400 के नीचे रहता है वहां पे वीकनेस बनी रहती है और लगातार पैनिक माहौल बनता है। लेकिन आप देख सकते हो कि निचले लेवल से अच्छी खासी खरीदारी है और स्टॉक दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। यहां पे विप्रो के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। विप्रो लगातार बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नए बिजनेस में एंट्रियां कर रहे हैं, लगातार अपनी तरफ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबर दे रहे हैं और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। और इस दम पे कह सकते हैं कि आने वाले समय विप्रो में हमें एक तरफा तेजी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि दूसरी आईटी कंपनियों के मुकाबले विप्रो की तरफ से इस समय बहुत सारे डिसीजन एक साथ लिए जा रहे हैं। लगातार बिजनेस को बढ़ाया जा रहा है, नए क्षेत्र में एंट्री की जा रही है, नए कंट्रीज में नया मैनेजमेंट संभालने के लिए दिया जा रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि विप्रो अपने आप में बदलाव करने जा रहा है। आने वाले समय आपको एक नई विप्रो दिखाई देगी और ये बोनस का बादशाह जो लगातार अच्छा बोनस देती है उसमें ये खरीदारी का समझ लो एक तरह से आखिरी मौका है। काफी डिस्काउंट प्राइस में आपको मिल रहा है, एक तरह से देखें तो आपके लिए ये बोनस के बराबर साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी प्राइस लगभग आधी कीमत के आसपास है। 740 का आपने हाई देखा होगा अभी फिलहाल, इस समय जब BSE सेंसेक्स ऑल टाइम हाई के आसपास है, विप्रो का शेयर आपको 400 के आसपास मिल रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे मौका होता है खरीदारी का। तो काफ़ी संभावना जिनको डिस्कस करेंगे और बाजार की संभावनाओं को भी तलाशेंगे, आगे क्या संभावना बन सकती है बाजार की, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर हमें इस समय वेट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि विप्रो ने काफ़ी अच्छी तेजी देखी, फ्राइडे के दिन 402 पर स्टॉक आ चुका है, 0.99% यानी लगभग 1% की हमने तेजी देखी है। और अगर हम पिछले एक महीने की बात करें स्टॉक में हमने 5.11% की शानदार तेजी देखी, यानी निचले लेवल से अच्छी खासी खरीदारी निकली है। सिर्फ यहाँ पे अगर हम 5 डेज की भी बात करें तो 3.13% की हमने विप्रो में तेजी देखी है। तो ये आप देख ही सकते हो कि निचले लेवल से अच्छी खासी बाइंग आ रही है और ये आपको वॉल्यूम में दिखाई देगा। आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 59 लाख का वॉल्यूम था और 1 वीक पहले इसका वॉल्यूम बढ़कर 65 लाख के आसपास पहुंच गया। थर्सडे को इसका वॉल्यूम 68 लाख के आसपास पहुंच गया, जो फ्राइडे को 75 लाख के आसपास पहुंच गया। तो आप देख सकते हो पिछले एक महीने के हिसाब से देखें तो लगातार आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी लोगों का रुझान अब विप्रो की तरफ सकारात्मक हो गया। आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे तेजी की संभावना भी बन सकती है। यहाँ पे निफ्टी आईटी में भी हमने लगभग 0.5% की तेजी देखी थी। आप देख सकते हो निफ्टी आईटी 30,334 के स्तर पर क्लोजिंग दी, जहाँ पे 0.52% की हमने तेजी देखी है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, विप्रो ने मेड इन इंडिया एक 3D इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रिंटर मशीन लॉन्च की है और ये जो है ये बहुत ही यूनिक है और ये अपने आप में एक कमाल है। आप देख सकते हो इसकी जो क्वालिटी देखे तो ए ग्रेड है, क्योंकि ये देखो ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म के ऊपर चलने वाली, साथ में मैग्नेटिक प्रिंट बेड है इसका और सेल्फ क्लीनिंग नोजल है, ड्यूल फिल्ट्रेशन सिस्टम है, यानी यूजर फ्रेंडली है और हाई क्वालिटी 3D प्रिंटिंग मशीन है ये और बहुत सारी इंडस्ट्रीज के काम आने वाली ये मशीन है। सबसे बड़ी बात है ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, यानी ये कंपनी के जो भी प्रोडक्ट है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग किए गए और 3D प्रिंटिंग जो आने वाले समय एक बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकती है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि ये जो 3D प्रिंटर मशीन है ये एक तरह से इंडस्ट्रीज के बहुत सारे काम आने वाली है, बहुत सारी सेक्टर में ये इस प्रिंटिंग मशीन का काम होने वाला है और ये बहुत ही यूनिक और काफ़ी शानदार, और आप देखिए इसकी क्वालिटी बहुत ही हाई क्लास है और साथ में देखें तो बहुत सेफ्टी के लिए बहुत सारे इसमें ध्यान दिए गए हैं। इस मौके पे प्रतीक कुमार जो CEO है विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनका कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम विप्रो की तरफ से ये पहली बार इंडिया में ऐसी 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च करने जा रहे हैं और ये एक तरह से बहुत ही शानदार है और आने वाले समय काफ़ी सेक्टर में इसकी वजह से बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। विप्रो के इस 3D प्रिंटर मशीन का इस्तेमाल बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हो सकता है, जैसे कि आप देखें तो यहाँ पर एयरोस्पेस, स्पेस इंडस्ट्रीज, इसके अलावा इंडस्ट्रियल यूज और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, इन सारी इंडस्ट्रीज के अंदर इसका इस्तेमाल हो सकता है और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे इनके इस 3D प्रिंटर मशीन का इस्तेमाल हो सकता है। एक बहुत ही यूनिक मशीन है ये और ये मशीन आने वाले समय कुछ कमाल तो करेगी, साथ में विप्रो के रेवेन्यू में बढ़ोतरी करेगी। तो आप देख सकते हैं लगातार अच्छे डिसीजन लिए जा रहे हैं विप्रो की तरफ से। इससे पहले भी देखें तो विप्रो ने अपने मैनेजमेंट में काफ़ी बदलाव किया है, नए MD को अपॉइंट किया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के क्षेत्र के लिए, जहाँ पे क्रिस्टोफर स्मिथ होंगे इनके MD, जिससे इनके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है। तो लगातार बहुत सारे डिसीजन लिए, इसके अलावा इन्होंने दुबई में अपना हेडक्वार्टर भी बना दिया जिससे उस क्षेत्र में अब और कारोबार आगे तेजी से बढ़ेगा। लगातार बहुत सारे इक्वेशन किए जा रहे हैं, आपको पता होगा कैपको का अधिग्रहण करने के बाद कैपको के साथ मिलकर बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की जा रही है इंडिया में भी। तो ये जो बिजनेस लगातार विप्रो की तरफ से बढ़ रहा है ये वाकई में आने वाले समय विप्रो को इस प्राइस से बहुत ऊपर लेके जाने वाला है। इसकी जो प्राइस है जल्द ही आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप देख सकते हो कि पिछले कई दिनों के बाद हमने ये 400 का स्तर देखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 28 अक्टूबर से अगर देखें तो कहीं पर भी आपको
देख सकते हो कि 400 का स्तर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 11 नवंबर को इंट्राडे में 399 की हाई जरूर बनी थी, लेकिन उसके बाद में स्टॉक फिर नीचे आया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने अब रिसेंटली जो है 402 का हाई बनाया पूरे एक महीने के बाद, ये काफ़ी अच्छी बात है। और आप देख सकते हो एक ही सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब ये 400 को पार कर गया, तो ऐसे में इसमें नई तेजी की संभावना बन सकती है। तो इस बोनस के बाद समय आपको दाव जरूर लगाना चाहिए। भले ही दो क्वार्टर से हमने देखा है कि रिजल्ट थोड़े से निराशाजनक रहे, लेकिन अगर आप इसको 2019 से कंपेयर करें तो लगातार अच्छा रिजल्ट कंपनी दे रही है। जहाँ पे 2019 में इनका 61.63,000 रुपीज़ का रेवेन्यू था और 9,000 रुपीज़ का इनका प्रॉफिट था। 2020 में ये 63.87,000 रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला और इनका प्रॉफिट 9.72,000 रुपीज़ के आसपास रहा। और अब 2021 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ के 64.34,000 रुपीज़ तक पहुँच गया और इनका प्रॉफिट बढ़ते हुए 10.80,000 रुपीज़ तक पहुँच गया। 2022 की बात करें तो रेवेन्यू सीधा 81.38,000 रुपीज़ तक पहुँच गया और प्रॉफिट बढ़ते हुए 12.23,000 को भी तक पहुंच गया। तो 2019 से लगातार आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि विप्रो लगातार अच्छा कर रही है, आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छी तेजी भी बनेगी और आने वाले समय तक कि आपको बोनस भी मिले। लगातार अच्छा बोनस तो मिलती है कंपनी की तरफ से, डिविडेंड भी अच्छा दिया जाता है, तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। वाकई में ये गोल्डन स्टॉक है। यहाँ पे बाजार के लिए एक जो थोड़ी सी निगेटिव संभावना ये है कि इंडियन रुपीज़ फिर से थोड़ा सा आपको पिटता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल 81.67 के आसपास है और वैसे ये आप देखें तो निचले लेवल से थोड़ी सी इसमें रिकवरी तो हुई है, लेकिन फिर भी आप देखें तो इसमें इंडियन रुपीज़ फिलहाल दबाव में दिखाई दे रहा है। लेकिन बाजार के लिए जो सबसे अच्छी खबर है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की प्राइस में ज़बरदस्त गिरावट जारी है और इस वजह से आने वाले समय हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि और महंगाई बढ़ सकती है, पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ सकती है, उसकी संभावना अभी थोड़ी कम बन रही है। तो ऐसे में बाजार के सेंटीमेंट सुधर सकते हैं। आप देख सकते हो WTI क्रूड फिलहाल 76.28 पर, जहाँ पे 2.13% की बड़ी गिरावट हुई है। ब्रेंट क्रूड 83.63 पर आ चुका है, जहाँ पे 2% की गिरावट है। तो कुल मिला के जिस तरह से क्रूड ऑयल में लगातार गिरावट का दौर जारी, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है चाइना। चाइना में पूरी तरह से लॉकडाउन है और वहाँ पे पेट्रोल डीजल की खपत नहीं हो पा रही है, इसी वजह से नीचे आ रहा है। तो इसका फायदा इंडिया के बाजार को जरूर मिलेगा। अब विप्रो की अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल का प्रदर्शन अगर आप देखें तो इस बार आप पिछले 2 साल से काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा विप्रो का। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर हम इसको कंपेयर करें BSE सेंसेक और BSE IT से, तो 2016 में विप्रो ने 14% का निगेटिव रिटर्न दिया था। इस दौरान BSE सेंसेक्स में हमने 1% की तेजी देखी थी और BSE IT इंडेक्स में 8% की गिरावट थी। तो लूजर आपको 2016 का विप्रो दिखाई देगा। लेकिन अगर हम 2017 की बात करें तो विप्रो ने 32% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE सेंसेक्स में हमने 27% की तेजी देखी और BSE IT इंडेक्स 10% दौड़ा। तो 2017 का विनर आपको विप्रो दिखाई देगा। 2018 की बात करें तो विप्रो ने 4.52% की तेजी बताई है। इस दौरान BSE सेंसेक्स में हमने 5.87% की तेजी देखी, लेकिन BSE IT इंडेक्स इस दौरान 24% दौड़ा। तो यहाँ पे विनर आपको BSE IT इंडेक्स दिखाई देगा। विप्रो ने 2018 में कोई शानदार प्रदर्शन नहीं किया। 2019 की बात करें विप्रो का परफॉर्मेंस मात्र 0.33% पॉजिटिव रहा, लेकिन इस दौरान अगर आप देखें तो यहाँ पे BSE सेंसेक्स ने 14.38% का जबरदस्त रिटर्न दिखाया और 9.84% की हमने तेजी BSE IT इंडेक्स में देखी। तो यहाँ पे विनर आपको 2019 का BSE सेंसेक्स दिखाई देगा। अब 2020 की बात करें विप्रो ने 55% का जबरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान BSE सेंसेक्स में हमने 15% की तेजी देखी है और BSE IT इंडेक्स में 56% की तेजी देखी। तो विप्रो बिल्कुल IT इंडेक्स जैसा ही दौड़ा, लगभग दोनों सेम रहे। अब 2021 की बात करें तो विप्रो ने 84% का जबरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान BSE सेंसेक्स में 21% की हमने तेजी देखी है और BSE IT इंडेक्स में 56% की तेजी देखी है। तो 2021 का विनर विप्रो है। तो आने वाले समय फिर से वैसी ही तेजी बनेगी। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको विप्रो में निवेश करना। जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बन रहा है विप्रो में, जिस तरह से डिसीजन लिया है, उससे लग रहा है कि आने वाले 3 साल में ही विप्रो आराम से 1,000 को टच कर सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।